पाता है, जिससे छात्रों ने भविष्य में उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसे में छात्रों के भविष्य को देखते हुए एमपी बोर्ड के कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी विषयों का सिलेबस संशोधित किए जाए और एक समान शिक्षा किया जाए, ताकि सीबीएसई आईसीएसई के मुकाबले एमपी बोर्ड का सिलेबस से पढ़े हुए छात्र बेहतर प्रदर्शन करें। सिंगरौली जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से लगा हुआ है, जिसे शासन की योजना का लाभ सही समय पर नहीं मिल पाता है। ऐसे में मेडिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट यूपीएससी आईएएस एमपी पीएससी जैसे परीक्षा की तैयारी के लिए शासकीय कोचिंग केंद्र में अनुभवी शिक्षकों को उपलब्ध कराया जाए। शासकीय महाविद्यालय पैठ में एमएलबी एमएसडब्ल्यू की शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए। हमारे बीच में बहुत सारी मांगे हैं। नगरीय निकाय प्रकोष्ठ के जो सफाई कामगार प्रकोष्ठ का है, जिसमें अभी करीब 150 हमारे कर्मचारी स्थायी कर्मी नहीं हुए हैं, अध्यक्ष काफी लड़ाई लड़क करके 136,000 रिक्त पदों, अरे 136 लोगों को स्थायी कर्मी लगभग नियुक्त हो चुके काफी प्रयास के बाद। लेकिन वहां पे भी देखिए, हमारे बीच की महापौर थी, 3 दिन फाइल दबा के रख दी, इसके बाद रोक लग गई, नहीं तो हमारे 150 लोग और हो गए। ये काफी चिंतन है। आगामी चुनाव आ रहा, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ये आप लोगों को विचार मंथन करना है और आगे आप लोगों को अच्छा प्रतिनिधित्व लोगों को दीजिए, अच्छे लोगों को ले आइए जो हमारे अधिकारों को सुरक्षा कर सके और हमारी मांगों को राज्य शासन स्तर पर रख सके। इन्हीं बातों के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। सब लोग चले, कलेक्टर साहब को यही ज्ञापन सौंपना है और एसपी साहब को भी देना है ज्ञापन। आप लोगों के सामने अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, सलाम जी। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जी। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। PS5 जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। अब माननीय एसपी महोदय को और कलेक्टर महोदय के ज्ञापन सौंपना है। आप लोग फ्लैक्सी लेकर के इस टेम्पो के पीछे आप सभी लोग लग जाएं। टेम्पो भैया आगे बढ़ाइए, आप लोग आगे मेन रोड तरफ। अब क्रम से बस 10 मिनट और समय चाहिए आप सभी को। जो साथी कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए उपस्थित हुए थे, मैं आपसे